नमस्कार, मैं हूँ सौंदर्याज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस पर पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने संदेश भेजा है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ संदेश भेजा है। नमस्कार, मैं चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 24वें स्थापना दिवस की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा। ये सोच लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही, और उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया अपनी इस सोच को पूरा करने में। उन्होंने समाज के हर उस गरीब, वंचित, शोषित वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास किया। निरंतर उन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी ताकि हर उस गरीब घर में वो दिया जला सके जो आजादी के 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाया। पावर टू द पुअर की सोच के साथ हमारे नेता ने सन 2000 में, 28 नवंबर सन 2000 में उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखने का काम किया। लगातार अपने खून पसीने से लोक जनशक्ति पार्टी को उन्होंने सींचने का काम किया। ना दिन को दिन, ना रात को रात समझा, दिन रात पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया ताकि समाज का हर एक गरीब व्यक्ति जो आज भी कहीं ना कहीं अपने हक अधिकारों से वंचित है, उनको वो हक अधिकार दिला सके, उनकी आवाज को सशक्त बुलंद कर सके। हमारे नेता की सोच का ही परिणाम है, उनकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2000 में शुरू हुई इस पार्टी ने महज 4 साल के भीतर एक नए पड़ाव को पार किया। 2004 में जिस तरीके से पार्टी के 4 सांसद जीत कर आए, वो यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के मनोबल को उसने बढ़ाने का काम किया। पर ये सपना पार्टी को मजबूत करने का साकार तभी हो पाया जब हमारे नेता ने दिन रात परिश्रम किया, मेहनत किया। जिस जिस विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, उस विभाग के माध्यम से कैसे अपने समाज, अपने प्रदेश, अपने देश के लोगों को मजबूत कर सके, उनको बेहतर सुविधाएं दिला सके, निरंतर उन्होंने ये कार्य किया। हमारे नेता की उपलब्धियां ही थी, हमारे नेता की नीतियां ही थी जिन्होंने हर बीतते दिन के साथ पार्टी को एक नई मजबूती देने का काम किया। परिणाम स्वरूप 2005 में पार्टी एक नई ताकत के साथ बिहार में उभर कर आई। 29 MLA जीतकर लोक जनशक्ति पार्टी के पास सत्ता की चाबी आई, पर उस वक्त भी सत्ता का लाभ ना रखते हुए, सत्ता का मोह ना रखते हुए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को उन्होंने प्राथमिकता देने का काम किया। आज जब हमारे नेता हमारे बीच नहीं है तो लोक जनशक्ति पार्टी के हम तमाम कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे नेताओं की नीतियों को, उनकी उपलब्धियों को, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को हर एक घर, संभवतः हर एक व्यक्ति तक हम लोग लेके जाने का हम लोग काम करें। आज जब लोक जनशक्ति पार्टी 24वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है तो ऐसे में हम लोगों को उस दिन को याद करने की जरूरत है जिस दिन हमारे नेता ने पावर टू द पुअर की सोच के साथ इस पार्टी की नींव दिल्ली के बोट क्लब में उन्होंने सन 2000 में रखने का उन्होंने काम किया। उस सोच को हर एक व्यक्ति, हर एक घर तक आज हमारे नेता जब हम लोग के बीच नहीं है तो ये जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की बनती है कि उस सोच को हम लोग लेकर जाएं, बताएं कि किस तरीके से हमारे नेता ने समाज के गरीब, वंचित वर्ग के लिए काम करने का उन्होंने प्रयास किया। वीपी सिंह जी की सरकार में भले वो श्रम एवं कल्याण मंत्री हो या रेल मंत्री के तौर पर जो उनकी भूमिका रही, सन 2000 में जब उन्होंने पार्टी की नींव रखी उस वक्त दूरसंचार मंत्री के तौर पर जो उनका कार्यकाल रहा, या अपने जीवन के अंतिम दिनों में मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में खाद्य विभाग की जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने जीवन की अंतिम सांस तक वो इसी प्रयास में लगे रहे कि कैसे अपने देशवासियों को वो बेहतर सुविधाएं दे सके। इन तमाम बातों को जनता के बीच लेकर जाने की जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है। मुझे उम्मीद नहीं, विश्वास है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं पर भी होंगे उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है कि पार्टी ने तमाम उतार चढ़ाव जो उनके जाने के बाद पार्टी को झेलने पड़े, उन तमाम उतार चढ़ाव से जूझते हुए पार्टी आज एक नई मजबूत स्थान पर पहुंची है। आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव हो या उसके ठीक साथ या उसके ठीक बाद होने वाले बिहार में विधानसभा के चुनाव हो,
पार्टी की नीतियां, पार्टी के विचार हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की उपलब्धियों के साथ और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। और ये नई ताकत, नई ऊर्जा आने वाले चुनाव में यकीनन पार्टी को एक नए मुकाम तक लेकर जाएगी। पर ऐसे में जिम्मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की बनती है कि हम लोग और मजबूती के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, पावर टू द पुअर की जो सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की रही, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, कि सोच के साथ हमारे नेता ने जीवन भर काम करने का प्रयास किया, उनकी इसी सोच को हम लोग आगे लेकर जाएं। उम्मीद रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 24वें स्थापना दिवस कार्यक्रम के बाद हम लोग इसी सोच के साथ पार्टी को और नई मजबूती देने का काम करेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से उनका धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जिस समर्पण भाव से पार्टी के लिए काम करने का उन्होंने कार्य किया, जिस समर्पण भाव से पार्टी के तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद पार्टी को मजबूती देने का काम किया। आज आप लोगों की वजह से ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का अस्तित्व है, आप लोगों की वजह से ही पार्टी एक नए मजबूत मकाम तक पहुंची है। इसको और हम लोग मिलकर मजबूत बनाएं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को हम लोग घर घर तक पहुंचाएं। एक बार फिर से आप सबका 24वें पार्टी के स्थापना दिवस पर आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान। तो आपने सुना कि चिराग पासवान ने क्या कुछ संदेश दिया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, किस तरीके से वो अभिवादन कर रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।